हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अभी कोविड का समय चल रहा है और हमने उसका ख्याल रखते हुए बहुत ही छोटे से ट्रिप का प्लान बनाया है और इस खूबसूरत सी जगह का नाम है छोटा बाकी। तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ छोटा बाकी। इस जगह पर पहुँचने के लिए आपको अपनी प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल करनी पड़ेंगे या फिर आप किसी व्हीकल को हायर कर सकते हैं। वैसे तो जमशेदपुर से इसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है और रांची से इसकी दूरी लगभग 145 किलोमीटर है। सो लेट स्टार्ट फॉर छोटा बाकी। और ये है मेरे दोस्त जिनके साथ मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूँ। हमने अपनी जर्नी की शुरुआत साक्षी से शुरू की और हम नेशनल हाईवे 33 की तरफ जा रहे हैं। नेशनल हाईवे पहुंचने के लिए आपको मानगो होते हुए डिमना चौक पर पहुंचना पड़ेगा। तो लीजिए दोस्तों, हम डिमना चौक पहुंच चुके हैं। यहां पर आकर आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक रांची की तरफ और एक कोलकाता की तरफ। हमें कोलकाता की तरफ जाना है। और ये हैं मेरे दोस्त जिन्होंने जिंदगी की भागदौड़ से कुछ फुर्सत के पल निकाले हैं। दोस्तों, हमने अपनी जर्नी की शुरुआत जब की थी तब शहर में बहुत जोरों की बारिश हुई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि छोटा वाकी में बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। दोस्तों, आप जब डिमना चौक से छोटा बाकी की तरफ जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी हरी वादियां अनायास ही आपका मन मोह लेगी और आपका मन खुशियों से भर जाएगा। हाईवे पर 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक सुवर्णरेखा परियोजना का बोर्ड मिलेगा। आप इस गांव के रास्ते होते हुए करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। आप भी इस खूबसूरत सी जगह का लुफ्त उठाइए। इस खूबसूरत सी जगह का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री कमलेश सिंह द्वारा सन 2006 में किया गया। छोटा बाकी रिजर्वायर तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लोग विंटर सीजन में पिकनिक का आनंद उठाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। एक जरूरी बात दोस्तों, आप जब भी यहाँ आए अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर आए।
लगभग 2 घंटे उस जगह का लुफ्त उठाने के बाद हमने वापस जमशेदपुर लौटने का फैसला किया। जर्नी समाप्त हुई। अगली बार हम आपको फिर एक नए जगह ले चलेंगे।